एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ब्लॉग विद दिव्या डायरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंस्टेंट हलवा, लौकी का हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने 250 ग्राम लौकी ली थी जिसको मैंने अच्छे से पील करके और पानी से धो के और फिर अब मैं इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है अगर आपका फास्ट है और आपको कुछ मीठा खाना है तो इसको आप तुरंत बना के खा सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट के बीच में आराम से बन जाता है और टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो इस तरीके से मैं लौकी को ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करने के बाद लौकी को तुरंत आपको हलवा बनाना है क्योंकि नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है और इधर मैंने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच के लगभग देसी घी। जैसे ही हमारा घी ये गरम हो जाएगा उसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये लौकी। तो घी हमारा हो गया है गरम और अब इसमें हमने जो ग्रेट की हुई लौकी रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से घी के साथ मिक्स करके कुछ देर के लिए इसको घी के साथ ही भूंजेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है घी के साथ और इसको छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए। जिससे कि ये घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही टेस्टी और अच्छा सा फ्लेवर हमारे हलवे में आ जाए। तो इसको मैंने छोड़ दिया है। ये लगभग 2-3 मिनट के बाद फिर से इसको मैंने अच्छे से चला दिया है, मिक्स कर दिया है घी के साथ। और अब इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। तो ये मैंने 1 गिलास के लगभग पूरा दूध लिया था, इसको मैंने इसी में डाल दिया है। और दूध डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम थोड़ा अभी हाई रखेंगे और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे और एक बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद इसमें एक बॉयल आ गया है। तो इस तरीके से हम दूध और जो हमारी लौकी थी वो उसमें एक बॉयल आने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच का लिया था चीनी का, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चीनी आपको जैसे खाना उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से चला दिया है और इसको फिर से छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट के बाद देखिए इसमें फिर से एक उबाल आ गया है। इस तरीके से दूध को हम गाढ़ा होने तक अच्छे से चला चला के इसको भूंजेंगे। ये देखिए, पहले से अब दूध का जो टेक्सचर है वो थोड़ा गाढ़े की स्टेज में पहुंच रहा है। तो अब इसी टाइम पे हम डाल देंगे इसमें जो हमारे पास इलायची रखी थी उसको मैंने डाल दिया है कूट के। तो इसको डालने के बाद इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपको मावा अगर आपके पास है तो आप इसी स्टेज पे इस पर थोड़ा सा मावा आप ऐड कर सकते हैं और उसको भी इसी के साथ मिला के उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके पास मावा नहीं है तो आप इस तरीके से दूध से भी आप झटपट आप हलवा बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको ये साइड में जो दूध की मलाई लगी थी उसको भी मैं इस तरीके से हटा के इसमें ऐड कर दूंगी जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरीके से चला चला के इसको और अभी गाढ़ा करना है हमें। ये लगभग 5-7 मिनट के बाद देखिए अब थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो गया है और इसको फिर से अच्छे से चला के हाई फ्लेम पे इसको और भूंज लेंगे। अब हमारा जो है वो हलवा बन के हो गया है रेडी। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और हलवे को निकाल लेंगे एक बॉयल में। तो ये हलवा मैंने बाउल में निकाल लिया है
अब इसमें आपको कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आपको जो आपको अच्छे लगते हो वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैं कुछ बस आलमंड के जो पीसेस रखे हैं उनको मैं इसमें गार्निशिंग के तौर पे डाल दूंगी इसमें। और ये मेरा जो हलवा है इंस्टेंट हलवा है वो बन के हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा हलवा की रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना यम्मी दिख रहा है हलवा, झटपट बन के तैयार हो जाता है बिना मावा के। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस नोटिफिकेशन बेल जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी नई ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।